हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ तिल मूंगफली के लड्डू। ये बहुत ही हेल्दी, ठंडी के दिनों में तो बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो चलिए बनाते हैं, शुरू करते हैं इसका प्रोसेस। तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 150 ग्राम के करीब, एक कटोरी के करीब मूंगफली, जिसे मैंने रोस्ट करके इसका छिलका निकाल लिया हुआ है, और एक कटोरी मैंने भुना हुआ तिल लिया हुआ है और इसे अच्छे से भून लिया है। और यहाँ पे मैंने एक कटोरी बादाम लिया हुआ है, जिसे मैंने नहीं भुना है, और एक कटोरी के करीब यहाँ गुड़ मैंने क्रश कर लिया है, और 1 टेबलस्पून मैंने शुगर और 4 से 5 इलायची मैंने लिया हुआ है, जिसे हम एक ही साथ ग्राइंड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं बादाम को सबसे पहले ग्राइंड कर रही हूँ। देखिए हमारा ये ग्राइंड हो गया है, पर अभी अच्छे से नहीं हुआ है, इसे हम एक बार और करते हैं। देखिए अभी हो गया है ये, तो हम इसे अच्छे से बादाम को भून लेते हैं अभी। तो 1 टेबलस्पून घी हम डालते हैं पैन में। घी मेल्ट होने पर हम बादाम का जो पाउडर है उसको डाल के अच्छे से थोड़ा भून लेते हैं। देखिए हमें ज्यादा टाइम नहीं भूनना है इसे, 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। देखिए हमारा अच्छे से घी भी सोक कर लिया है और ये भून रहा है। देखिए भून के भी रेडी हो गया है। अब हम इसे गैस को बंद करके एक दूसरे प्लेट में निकाल लेते हैं। बादाम अच्छे से भून चुका है हमारा, तो इसे अच्छे से निकाल लेते हैं। अब दूसरा प्रोसेस हम कर रहे हैं, ये चीनी और जो इलायची है हमारा, उसको हम मूंगफली के साथ ग्राइंड कर लेते हैं, अच्छे से पाउडर बना लेते हैं इन दोनों को। यहाँ पर हम मूंगफली की मात्रा थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि मेन इंग्रेडिएंट्स है इसमें मूंगफली। देखिए अच्छे से हमारा पीस, अभी पीस गया हमारा अच्छे से ये। अगर इसमें हम थोड़ा दाना हो तो आप 2 से 3 बार इसे पीस लीजिएगा। तो हम उसी बादाम में ये मूंगफली का जो पाउडर है वो भी डाल रहे हैं, और फिर हम उसी जार में जो हमारा तिल था उसको हम अच्छे से ग्राइंड कर ले रहे हैं। इसे थोड़ा दरदरा ग्राइंड करना है। देखिए अब हम जो गुड़ लेके लिए थे, वो ग्रेट किया हुआ, उसको हम इसी में ग्राइंड कर लेते हैं। गुड़ इसमें बिल्कुल भी नहीं चिपकता है, देखिए कैसे एकदम पाउडर जैसे हो गया है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून घी डालते हैं, उसे थोड़ा बॉन्डिंग के लिए। देखिए ये देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो गया है। हम इसको भी उसी सेम बोल में डाल देते हैं और इसे अच्छे से हम मिक्स करते हैं। देखिए हमारा जार में हमारे बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ है पेस्ट। तो यहाँ पे हम अच्छे से हाथ से मिक्स करते हैं। ये थोड़ा अभी हमारा सूखा हुआ है, इसीलिए हम इसमें थोड़ा दूध की फ्रेश मलाई लेते हैं। उसी मलाई को हम इस पाउडर में डाल देते हैं। इसमें हम एक्स्ट्रा घी बिल्कुल नहीं डाल रहे हैं, हम इसमें मलाई बस डाल रहे हैं। देखिए कितने अच्छे से हमारा पूरा बाइंडिंग तैयार हो गया। देखिए कैसे लड्डू का शेप ले रहा है, हमारा बंध रहा है। ऐसे ही हम इसके लड्डू बना लेते हैं। इसमें हमें बिल्कुल भी घी लगाने की नहीं, क्योंकि तिल में जो एक्स्ट्रा ऑयल रहता है, मूंगफली में भी ऑयल रहता है, तो पीसने के बाद वो अपना एक्सेस ऑयल छोड़ देता है। और हमने पहले भी इसमें 2 टेबलस्पून घी ऐड किया हुआ है। देखिए कैसे ऊपर भी आपको दिख रहा होगा घी लड्डू के। तो ऐसे ही करके हम लड्डू बना लेते हैं, एक एक करके सारे लड्डू हम बना लेते हैं।
देखिए हमारा लड्डू कितना अच्छा रेडी हो गया है।